जनपद मैनपुरी के करहल थाना पुलिस एंड सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। यहां पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस भी जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों पकड़े गए लुटेरों को कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। घटना के अनुसार पिछले 7 अक्टूबर को ओमकार निवासी नगला बिहारी थाना करहल अपनी मोटरसाइकिल से मैनपुरी से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी करीब 8:30 बजे जब वो भदावर होटल के पास करीब 500 मीटर पीछे मैनपुरी की तरफ थे, तभी पीछे से दो बाइक सवारों ने ओमकार की मोटरसाइकिल ओवरटेक करके रोक ली और तमंचा दिखाकर मोबाइल, एटीएम कार्ड, डीएल, अन्य महत्वपूर्ण कागजात लूट लिए। ओमकार ने जब इसका विरोध किया तो उनमें से किसी ने उसके सिर पर चोट मार दी। इस घटना के संबंध में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कांकन गेट के पास लूट की घटना के इरादे से सड़क पर खड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल ही मौके पर दबिश देकर दो अभियुक्तों को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम राजेश उर्फ गुड्डा निवासी नगला भोपाल थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद व दिनेश उर्फ मुलायम पुत्र रामफल निवासी सेवापुर थाना जसराणा जनपद फिरोजाबाद बताया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर, दो मोबाइल, एक एटीएम कार्ड, एसबीआई बैंक, दो मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने पिछली दो लूटों को भी कबूल किया। वहीं पुलिस ने दोनों को कानूनी कार्यवाही करने के बाद जेल भेज दिया है। करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे रात में 8:30 बजे एक व्यक्ति को दो मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने लूट लिया था। उसके बाद एटीएम कार्ड और अन्य सामान लूटा था। उसके समय भी चोट पहुँचाई गई थी। इस टीम के खुलासे के लिए थाना करहल पुलिस और सर्विलांस टीम लगाई गई थी, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। घटना में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल से दो मोटरसाइकिल घटना की थी वो मोटरसाइकिलें मिल गई हैं। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है। एटीएम कार्ड भी मिला है एसबीआई बैंक का और दो अदद मोबाइल बरामद हुआ। सर, इससे पहले भी इनका कोई पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास? इसमें एक जो अपराधी है उसका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। ये राजेश जो है सिरसागंज का रहने वाला है। इसका काफ़ी इसके विरुद्ध लगभग 15 से 16 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं और ये काफ़ी हार्ड कोर्स करता है।